तो प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं सुंदर सिंह आपका वेलकम करता हूं अपनी अनअकैडमी की वाईटी क्लास में। और इस क्लास के अंदर मैं आपको बता दूं कि हम कुछ बेहतरीन आपको सिखाने वाले हैं, और इस सिखाने के साथ साथ मैं आपको बताएं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे जो हमारे नए बैचेस के बारे में जो रिसेंटली लॉन्च हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर कल से हमारा रिसेंटली एक बैच आ रहा है। ये बैच हमारा है सेप्टेम्बर के अंदर, 21 सेप्टेम्बर से। ठीक है, तो पहले मैं कुछ बैच की जानकारी आपसे शेयर कर लेता हूँ, देन आफ्टर आई विल इम्पार्ट समथिंग यू कैन से डिसाइसिव इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, तो फिर आपको कुछ बेहतरीन नॉलेज देंगे। इस बैच का नाम है फाइनल पंच, तो फाइनल पंच के नाम से बैच आ रहा है। और इसका मतलब है जो आपने अब तक प्री और मेंस की प्रिपरेशन में जो आपने एक प्रकार से लर्न किया सीखा है उसको थोड़ा ब्रशअप करेंगे, ओके, विद द सेंस ऑफ क्वालिटेटिव नॉलेज और प्रैक्टिस, तो अच्छी नॉलेज के साथ में, तो वो आप इसमें सीखने वाले इस बैच के अंदर। और मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे अहम बात क्या होता है किसी बैच के अंदर, दो बातें अहम होती हैं, फैकल्टी कितने डेप्थ में आपको टीच कर रहा है, तो पूरा डेप्थ के साथ पोटेंशियल के साथ इसमें आपको टीच किया जाएगा, एंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट एंड डाउट ऑफ योर्स विल बी क्लैरिफाइड बाय ऑल द वेज। तो एक बार आप आइए इसके साथ, जुड़िए बैच के साथ, तब आपको इसकी क्वालिटी का रियलाइजेशन होगा, एहसास होगा। और इंग्लिश में कहावत भी बच्चों, वी कैन नॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर, वी कैन नॉट जज ए बुक बाई इट्स कवर। तो आप बाहर से केवल मूल्यांकन ना करें, पहले एडमिशन लीजिए प्लस पे इस बैच के अंदर, और फिर देखिए वट एग्जैक्टली इट इज ऑल अबाउट, ये बैच है कैसे। मैं आपको बताऊँ, जब आप एडमिशन लें छोटी सी बात का ध्यान रखें कि इसमें आप जो है 10% डिस्काउंट आपको जो है अवेल हो जाता है अगर आप इस रेफरल कोड को यूज कर लेते हैं एडमिशन लेते समय। तो रेफरल कोड आप यूज कर लीजिए, सुंदर एस एस सी दिस वन, वाइल टेकिंग द एडमिशन 10% डिस्काउंट आप उसी समय अवेल कर सकते हैं। I have already spoken, I have stated out, final punch जो है बैच का नाम है, okay? तो जल्दी से मैं आपको बताने वाला हूँ और information कि क्या हमारा mechanism होगा, क्या methodology होगी teaching की इसके अंदर, और कौन कौन faculty इसके अंदर एक प्रकार से teaching में involved है। और आज थोड़ा मैं आपको demo दे देता हूँ कि how exactly the teaching will be out there in the context of this batch, okay? So I'm going to let you know some statistics in this week. तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, और पढ़ाने के जो मैकेनिज्म होता है, जो टीच करने का मैकेनिज्म होता है, जो मेथोलॉजी होती है, सो यू विल कम टू नो बाय दिस वन बाय योर ऑन कि व्हाट एग्जैक्टली एंड हाउ एग्जैक्टली इट इज। तो हम सब फैकल्टीज का अपना एक एक्सपर्टीज है, अपना एक लेवल है जिससे हम आपको टीच करेंगे, और एक एक कंसेप्ट आपका एविडेंट कर देंगे बाय ऑल द वेज एंड बाय ऑल द मेजर्स। तो चलिए बच्चे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको चैप्टर दे रहा हूँ, ये हमारा है चैप्टर सेंटेंस फिलर्स, एंड सो फार The volume of this chapter is concerned in the examination, जहाँ तक इसके आयतन का सवाल है कितने मार्क्स का आता है बेटे, तो 13 मार्क्स का चैप्टर है जो आपके एग्जाम में आता है, 13 मार्क्स ये कवर करता है बेटे। मैं प्री और मेंस दोनों की बात कर रहा हूँ, राइट। 13 नंबर का चैप्टर आता है, मतलब 9 से लेकर 13 मार्क्स से कवर करता है आपके पेपर के अंदर। सो इट शुड बी इन योर अकाउंट कि इसका वॉल्यूम अच्छा खासा है पेपर में, राइट जी। तो अब समझ लीजिए, जैसे हमने चैप्टर लिया सेंटेंस फिलर्स, और जैसे सेंटेंस फिलर्स को आप ले लीजिए, इसमें चार चैप्टर की जो नॉलेज है, कॉग्निशन होना इनएविटेबल अनिवार्य है, और बेसिक टाइम एंड टेंस, कंजक्शन और प्रेपोजिशन, ये चार चैप्टर आपको आने चाहिए अगर हमें सेंटेंस फिलर करना है तो। और ये सारे चैप्टर सिस्टमेटिक तरीके से, थियोरटिकल तरीके से, विद रेगुलर प्रैक्टिस के तरीके से आपको हमारे अनअकैडमी प्लस क्लास में कराए जाएंगे। बस एक क्लास लेके देखिए, योर पर्सपेक्टिव विल बी चेंज अटरली, तो आपका दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा कि क्या फर्क है फ्री क्लास स्पेशल में और प्लस में क्या डिफरेंस है, ठीक है जी। और एज द सेइंग गोज, जैसा कहावत है, क्वालिटी विल स्पीक फॉर इटसेल्फ, गुणवत्ता खुद बोलती है, तो वही गुणवत्ता वही क्वालिटी आपको प्लस पे दिखाई देगी जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, ठीक है जी। देखिए कैसे, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, शी सेड दैट लोकल ट्रेडर्स हैड डिसाइडेड टू बॉयकॉट द लॉकडाउन ड्यू टू मिसरेबल कंडीशन, ठीक है जी। उसने कहा कि लोकल ट्रेड ने डिसाइड किया कि बहिष्कार करने का लॉकडाउन का, कुछ मिजरेबल कंडीशन के कारण, फाइनेंशियल कंडीशन के कारण। अब सो फार द आंसर इज कंसर्न्ड कि भाई चारों में से कौन सा अप्रोप्रिएट है, कौन सा यूज करेंगे, या नन आएगा, ये आपने बताना होता है। तो प्यारे बच्चों जो पहली क्लॉज है हमारी पास में, यहाँ V2 लगा हुआ है, वर्क की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है आपने पढ़ा होगा, ए लार्ज नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, ये दो कंसेप्ट होते हैं। अब ए लार्ज नंबर ऑफ जब होता है, ए लार्ज नंबर ऑफ यू कैन से लोकल ट्रेडर्स, तो आर आता है या हैव आता है, द लार्ज नंबर ऑफ तो है जाता है, क्योंकि दा का सीधा प्रभाव पड़ता है हेल्पिंग वर्ब पर, लेकिन क्योंकि ये पास्ट में है, सो ऑन अकाउंट ऑफ दिस वन
ऑन अकाउंट ऑफ द फर्स्ट, तो पहले के आधार पर आप देखिए, अगर मैं कहूँ ये वाला हटा देते हैं तो इसके आधार पर सैड के यहाँ पर बेटे ये, तो ये हैव का हैड हो जाता है। तो यहाँ पर जो हैज था, मैं आपको बताऊँ, ये यहाँ पर जो हैज था ये किसमें कन्वर्ट हो गया, हैड में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि पहले क्लॉज हमारी पास्ट में है, तो अगर ये पास्ट में फर्स्ट वाली तो सेकेंड भी पास्ट में होगी। तो कौन सा आया कंसेप्ट, द लास्ट नंबर ऑफ बास में जी, और इन कंसेप्ट की जो नॉलेज है, सो आई विल लेट यू नो रेस्पेक्टिवली इन द क्लास विद अ डिटेल्ड मैनर, डिटेल मैनर से विस्तार से आपको समझाया जाएगा। लेकिन कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, ऐसे ही बिना प्लस के नॉलेज नहीं मिलेगी आपको। तो अनअकैडमी प्लस एक नॉलेज है गुरु आपके लिए, ठीक है, और वो कब मिलेगा आपको, जब क्लास में पाएंगे, एडमिशन लेंगे। प्यारे बच्चों सेकंड को देख लीजिए, द सोशल एंड द पॉलिटिकल हैव हैड दिस डिसीजन इन द वेक ऑफ नेक्स्ट मूव। तो सामाजिक और राजनीतिक जो है, ठीक है, जो ढांचा है, इस डिसीजन को ले चुका है नेक्स्ट मूव के संदर्भ में, अगले स्टेप के संदर्भ में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये हमारा जो है ये एडजेक्टिव है, सोशल पॉलिटिकल एडजेक्टिव है, और कंसेप्ट ये कहता है कि जब दो एडजेक्टिव एक नाउन को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, सो द नेचर ऑफ द नाउन विल बी सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल। तो बेटे आएगा एस्टैब्लिशमेंट, सो एस्टैब्लिशमेंट विल बी अप्लाइड, अंडरस्टैंड। सो नाउ वी हैव कम टू नो द जुडिशियस आंसर, द व्हाट विल बी द राइट एग्जीक्यूशन ओवर हियर। बट अब प्रश्न ये आता कि हेल्पिंग वर्क किस पर डिपेंड करती है, तो हेल्पिंग वर्क डिपेंड करती है द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कि उनकी कितनी संख्या है, कि अगर एक एडजेक्टिव से पहले एक आर्टिकल है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, लेकिन अगर दोनों के साथ आर्टिकल है जैसे यहाँ पे आया हुआ है, तो बेटे दोनों के साथ अगर आर्टिकल होगा तो हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। तो ये करेक्ट है बेटे, क्योंकि यहाँ दोनों के साथ आर्टिकल है, तो बच्चे इसमें सी हो गया, ओके। और इन कंसेप्ट के नॉलेज के लिए, फॉर द अटेनमेंट ऑफ दीज वंस इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, तो आप जब प्लस पा पाएंगे तो इनको डिटेल में समझेंगे, तो फिर जो छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो आपके एक प्रकार से पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाएंगे, राइट जी। तो ये आपने समझा, छोटी छोटी बातें इनको हम आपको समझाएंगे प्लस पर, आगे चलिए। और मुझे मालूम है आपने पढ़ना है और हमें बढ़ाना है और हमें आपका पेपर क्वालिफाई कराना है, पेपर तक आपको ले जाना है, तो प्लस उसके लिए पहली आवश्यकता है। और जितनी जल्दी आप इस बात को समझेंगे उतनी जल्दी आपका सिलेक्शन होगा, तो लेट मत कीजिए, राइट जी, एडमिशन लेके फोन आइए। थर्ड बच्चे हमारा, शी प्रेफर्ड सच स्टेप्स, वो महत्व देती है इस प्रकार के स्टेप्स का। स्टेप्स क्या होती है, वस्तुएं, और इन लेजर, लेजर क्या होता है, फ्री समय के अंदर, फॉर द बेटर स्टेट ऑफ माइंड एंड एंटरटेनमेंट। तो प्यारे बच्चों यहाँ दो चीजें बनती हैं, या तो टू हैव या टू हैड। आमतौर पर जब भी हम किसी चीज को प्रायोरिटी देते हैं तो हम प्रेजेंट के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, आई वॉन्ट टू गो देयर, ठीक है, उसी प्रकार से आई प्रेफर टू हैव। तो हैव यहाँ पर किस सेंस को शो कर रहा है, गेट के सेंस में, आई प्रेफर टू गेट, ये गेट के सेंस में यूज किया गया, बस में जी, गेट के सेंस में है। तो यहाँ पर सेंटेंस की जो एडिक्वेसी है वो इस बात से पता चलेगी कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज ऑल अबाउट, इसका भाव क्या है, सेंस क्या है, और सेंस यहाँ प्रेजेंट को शो कर रहा है, जैसे कि आई वॉन्ट टू हैव इट, आई वॉन्ट टू गेट इट, तो इसी बात, एक ही बात को प्रदर्शित करते हैं। तो बेटे ये सेंटेंस हमारा किस पे आधारित है, ये सेंस बेस्ड सेंटेंस है, और सेंस से हम जस्टिफाई करेंगे कि सही वर्ड क्या आना चाहिए, सेंस के बेस पर, ठीक है, इसमें ए आएगा, दिस वन। सेकंड मानिए, हिमाचल प्रदेश अथॉरिटी एंड रियॉर्ट्स, रियॉर्ट्स क्या होते हैं, फार्मर, किसान। तो बेटे ये होते हैं फार्मर, किसान जो है, हैव डैश एन अंडरटेकिंग फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ एससीजेड, एंड एससीजेड क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो पूरा जो है अब इस नॉलेज से आपको अंदाजा होगा, एक एक चीज को आपको कंसेप्ट को समझाया जाएगा, और आपका मीडियम हिंदी है या इंग्लिश है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्लास का लैंग्वेज हमारा जो लेक्चर का मोड रहेगा, जो आपको समझाया जाएंगे कंसेप्ट, बायलिंगुअल होगा जी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो आप उसको भूल जाइए बिल्कुल दिमाग से, जो है कि आपका मीडियम हिंदी है, कमजोर है आपका जो वेश, बिल्कुल भूल जाइए, क्लास में एक दो क्लास करके देखिए आप। इसको लीजिए, यहाँ पे कहता है रिवर्स है, अब बेटे एंटर के साथ आमतौर पे इनटू का यूज हम नहीं करते, लेकिन एंटर के साथ इनटू तीन कंडीशन में आता है, एक जब अलायंस की बात हो, अलायंस की बात होती है, अलायंस क्या होता है, गठबंधन, जैसे कांग्रेस का अपना अलायंस क्या है, यूपीए, बीजेपी का अलायंस क्या है, एनडीए, उस अलायंस कहते हैं गठबंधन। दूसरा होता है एग्रीमेंट, जहां भी एग्रीमेंट की बात होती है, दो कंपनीज के बीच में एग्रीमेंट है,
दो देशों के बीच एग्रीमेंट है, संधि है, समझौता, वहां एंटर के साथ इन टू यूज कर सकते हैं। थर्ड होता है अंडरटेकिंग। थर्ड क्या होता है? अंडरटेकिंग। तो अंडरटेकिंग के सेंस में भी आप एंटर के साथ इन टू का प्रयोग कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल, वो पॉसिबल है, ये समझ लीजिए। अंडरटेकिंग बटे, अंडरटेकिंग क्या होता है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर लेती है, उसका एक्विजिशन कर लेती है, दैट इज सेड टू बी अंडरटेकिंग, वो अंडरटेकिंग कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, तीन अवस्थाओं में, अलायंस के, एग्रीमेंट के, अंडरटेकिंग के, आप एंटर के साथ इनटू का प्रयोग कर सकते हैं, दैट इज लाइकली पॉसिबल। तो एंटर के साथ इनटू आएगा, ये हो गया जी। और आपने एक कमरे से दूसरे कमरे में प्रवेश करना मान लो, तो एंटर के साथ इनटू जो है दैट विल बी प्रोहिबिटेड, दैट विल बी रेस्ट्रिक्टेड सो फार। तो ना, न्यू थिंग वी हैव कम टू नो, एक बात हमने जान लिया है, सीख लिया है, ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि भाई एंटर के साथ इनटू हम तीन अवस्थाओं में प्रयोग कर सकते हैं। सो मेयरली थ्री कंडीशंस आर आउट हियर वेयर वी कैन एक्सरसाइज ओके इनटू विद एंटर। द फर्स्ट अलायंस, गठबंधन, ठीक है, सेकेंड एग्रीमेंट, संधि या समझौता, एंड थर्ड अंडरटेकिंग, इसे कहते हैं अधिग्रहण। ओके, तो एंटर के साथ इनटू आएगा, बच्चे ध्यान रखिए। अब इतना डिटेल में आपको पढ़ना, गहराई से पढ़ना है, ऐसे कंसेप्ट को समझना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बायलिंगुअल तरीके से, तो इतना डिटेल में हम टीच कर सकते हैं आपको अपनी प्लस क्लास में। तो सोचिए मत बिल्कुल भी, अपने फ्रेंड्स को, अपने ब्रदर सिस्टर्स को रिकमेंड कीजिए कि फॉरन एडमिशन लें अनअकैडमी प्लस पर। और रेफरल कोड क्या मालूम है ना आपको? रेफरल कोड क्या बेटा? सुंदर SSC, इसको अप्लाई कर, एडमिशन लेते समय इसको अप्लाई कर दीजिए, 10% डिस्काउंट आप उसी समय ले लीजिए। ओके, सो दैट इज इंफॉर्मेटिव थिंग इन इटसेल्फ। तो अपना में बहुत अच्छी चीज हो गई है। और मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, जो कुछ और क्वेश्चन समझ लीजिए, अपने डाउट क्लियर कर लीजिए, ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। पांचवा क्वेश्चन कहता है द रूरल एंड द अर्बन, ग्रामीण और शहरी। आप समझ गए, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, और जब दो एडजेक्टिव एक नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं तो नाउन कैसे होती है? सिमिलर। तो बेटे यहाँ पर पॉलिसी आएगा, पॉलिसी ध्यान रखना, ये टाइपिंग एरर हुआ है, पॉलिसी आएगा, पॉलिसी हैव बीन, और यहाँ पे आप जानते हैं ये टाइपिंग एरर होगी हमसे, तो पॉलिसी। और बेटे ये डिपेंड करेगा हेल्पिंग वर्ब किस पर, कि कितने आर्टिकल आए हैं। तो बेटे एक आर्टिकल ये रहा, दूसरा आर्टिकल ये है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दोनों एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल है, सो द नेचर ऑफ हेल्पिंग वर्ब विल बी प्लूरल। तो बेटा ये आएगा क्वेश्चन, द पॉलिसी हैव बीन, पॉलिसी हैव बीन, हैज बीन, ठीक है, ये पॉलिसीज नहीं आएगा, पॉलिसी आएगा। द नाउन विल बी ऑलवेज सिंगुलर काउंटेबल। ओके, तो ये आएगा। सिक्स को देखिए, वी हैव आइडियाज इन दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर द बेटर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? उत्पादकता, क्वालिटी, गुणवत्ता। अब यहाँ पे वी हैव लॉट ऑफ, क्या कुछ होता है? ये कुछ नहीं होता, लार्ज नंबर ऑफ कुछ होता है? नहीं होता। अगर यहाँ ए होता या द होता तो मैं मान लेता इसको, इट वुड बी समथिंग, लेकिन अब यहाँ पे आर्टिकल नहीं है तो कुछ होगा नहीं। तो बेटे ये आएगा वी हैव ए लॉट ऑफ, और आप जानते हैं ए लॉट ऑफ क्या होता है? सिमिलर होता है, इसका प्लूरल क्या होता है? लॉट्स ऑफ। इसका प्लूरल क्या होता है बच्चों? लॉट्स ऑफ। सो वी आर वेल अवेयर ऑफ। अब किसको लेंगे जो यहाँ दिया हुआ है, जो हमारे पास उपलब्ध है, तो क्या आएगा? ए लॉट ऑफ। और ये भी आप जानते हैं, ए लॉट ऑफ के बाद जो भी नाउन होती है, नाउन की प्रकृति कैसी होती है? प्लूरल होती है बच्ची, दैट इज प्लूरल। फर्स्ट में, सो वी हैव ए लॉट ऑफ आइडियाज इन दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, ऐसे बनाएंगे। सो दिस विल बी द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ टीचिंग, और इसको बेहतर कर देंगे और नरिश कर देंगे जब आप क्लास में आएंगे, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए, और हम मेरे खुद के कई बैचेज आ रहे हैं, नेक्स्ट मंथ मेरा बैच आ रहा है प्रैक्टिस का, उसमें आप अच्छा कर लीजिए, ठीक है जी। 21st से तो बैच हमारा चल ही रहा है। और बेटे मैं आपको बता दूं, इस फाइनल पंच बैच में हम क्या क्या, कौन कौन टीचर पढ़ाने वाले हैं, टीच करने वाले हैं, और क्या क्या हम करेंगे फाइनल पंच बैच में, तो वो थोड़ा सा आप डिटेल्स में समझ लीजिए। बैच बहुत ही अच्छा है, इंक्लूसिव बैच है एक प्रकार से, ध्यान रखिए। तो हम जान लेते हैं इसमें क्या क्या करेंगे आप। देखिए, तो फैकल्टी आपके सामने बच्चे, इसमें आई माई सेल्फ इज ऑल्सो देयर, मैं खुद पढ़ाऊंगा उसमें, सुंदर सिंह माई नेम इज देयर, काफ़ी सालों से मैं टीच कर रहा हूँ इसमें इंग्लिश को, न्यू दिल्ली में बेटे, और हमारे सर मैथ के जो है, और दोनों फैकल्टी मैथ के काफ़ी अच्छे टीचर हैं, तो उनसे भी आप पढ़ सकते हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं, ये ध्यान रखिए। अपार्ट फ्रॉम दिस वन, इसके अलावा देखिए, और एक चीज और, इसमें क्या क्या सेलेंट फीचर्स है, क्या क्या विशेषता है? टॉप एजुकेटर्स होंगे इसमें, ओके। दूसरा, इस पर डेडिकेटेड टाइमिंग्स होगा, मॉर्निंग 7 AM से लेकर 2 o'clock तक, आप कोई भी टाइम जो आपको अच्छा लगता है वो आप लीजिए इसमें, ओके।
इसके अलावा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, ऐसा नहीं कुछ पार्ट छोड़ दिया कुछ कवर करा दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, पूरा स्टेटमेंट कवर कराएंगे इसके अंदर। और इसमें आपको प्रीवियस ईयर के जो PYQs है PYQs में इस पर डिस्कस किए जाएंगे, सो नो इन्फॉर्मेशन विल बी लेफ्ट आउट। क्विज कराए जाएंगे विद मेगा क्विज, जो बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है अपने नॉलेज को चेक करने के लिए वो इसमें कराया जाएगा, क्विज और मेगा क्विज। ठीक है बच्चे, इसमें मैं कंप्लीट इंग्लिश आपको कराऊंगा, चाहे रीडिंग स्किल है, ग्रामर है, ठीक है, और जितना भी सेगमेंट है वकैब वगैरह वो सब कुछ कराया जाएगा। अनूप अग्रवाल सर कंप्लीट एडवांस कराएंगे, बहुत अच्छे फैकल्टी हैं, और परवेश सर कराएंगे आपको कंप्लीट अर्थमेटिक, सो दे आर इस्टेब्लिश फैकल्टीज इन द रेस्पेक्टिव फील्ड्स, और सभी अच्छे एजुकेटर्स हैं, तो आप जुड़िए और एक बार जब जुड़ेंगे समझेंगे तो क्वालिटी आपकी समझ में आएगी। ओके इसके अंदर मैं आपको बताऊं, अटेंड अनलिमिटेड लाइव सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक बार आपने एडमिशन लिया इस कोर्स के अंदर दूसरे फैकल्टीज के आप जो लाइव सेशन देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इस बैच के अलावा कुछ और नहीं देख सकते, किसी और एजुकेटर का भी आपको समझ आता उसके सेशन भी आप दे सकते हैं, ये प्रिविलेज आपके जो है एडमिशन में ऐड हो जाता है। इसके अलावा रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव स्ट्रक्चर कोर्सेज होंगे, कंप्लीट प्रिपरेशन होगा, ठीक है, एजुकेटर द्वारा आपको जो है, और क्विजेस पर डिस्कस कर सकते हैं आप अपने डाउट्स टीचर के साथ में। इसके अलावा जो आप किसी काम से आपको जाना पड़ जाए, क्लास आप नहीं ले पाए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अनअकैडमी आपको सुविधा देती है, PDF आप ले सकते हैं, डाउनलोड PDF ये भी सुविधा आपको मिलती है, टेस्ट सीरीज आपके पास है, तो हर चीज़ की प्रॉपर गाइडेंस है। और कहते हैं जब गाइडेंस परफेक्ट होती है तो सिलेक्शन में कोई डाउट फिर नहीं रहता। अब आते हैं कि हमें एडमिशन कैसे लेना है, तो बेटे सिंपल प्रोसेस है, लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, और सिंपल है, आप उसमें एक साल से दो साल का ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, जिसमें आपका मैथ भी हो जाए, GS भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, क्योंकि सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब जाके पेपर तैयार होता है। और 24 मंथ्स का आप ले सकते हैं अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, अगर आपने हाल ही में 12वीं पास की है तो आप 2 साल का लीजिए, आई विल रिकमेंड, क्योंकि इससे आपको प्रिपरेशन का पूरा टाइम मिलेगा। ओके अगर आपके पास कोई ऐसा इशू है फाइनेंशियल तो आप उसमें 1 ईयर का भी ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वन मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा डिस्काउंट, जो सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए, इसमें अगर आप इस समय इनरोल कर लेते हैं इस समय, तो इस समय डिस्काउंट बहुत ज्यादा है बच्चों। जैसा कि आप देखते हैं 6 मंथ के अंदर डिस्काउंट है 33% ऑफ चल रहा है, आप देखिए 12 मंथ के अंदर डिस्काउंट 58% ऑफ है इस समय, और भाई 24 मंथ के अंदर 75% ऑफ आपको इस समय मिल रहा है। ठीक है जी, तो अलग अलग कोर्स खरीदने के बजाय एक कोर्स में एडमिशन लीजिए एंड यू कैन प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ जाइए, बहुत अच्छी क्वालिटी है सभी बैचेस के अंदर, तो आप आइए इनरोल कीजिए। बाकी कोई भी डाउट है आप फैकल्टी से डिस्कस कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, और बाकी डिटेल में बैच में पढ़ाएंगे, ठीक है, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों को टीच करके, और आप हमारे साथ जुड़िए और चीज़ों को सीखिए, राइट, तो कॉन्फ्रेंस एडमिशन लीजिए, दोस्तों बताइए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, नमस्कार।